मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आज दिन सैटरडे और यहाँ पे मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ और मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। और मैं बाहर गौ माता को देखने गई थी, तो गौ माता गई थी, मैं गौ माता के लिए पराठा लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे साथ में नंदी बाबा भी आ गए थे। तो फिर ले 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 ले
बनाने वो थोड़ा सा जल गया है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आज ये वाला जो मैं ब्लाउज पहनी हुई हूँ ना, ये क्या था, अभी इनकम्प्लीट है। वैसे तो पूरा हो गया लेकिन अभी इसको मैंने पूरी तरह से फिटिंग नहीं दी, मुझे एक सिलाई और देनी है और बाजू में भी अभी इसको सिलाई देनी है मेरे को। हुआ क्या कि मैं नहा कर आई तो मेरे को जैसे ही मैंने साड़ी तो मैंने को यही वाली पहनी थी ब्लाउज, जैसे ही मैं निकालने के लिए हुई वैसे ही मेरे हाथ में यही आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं पहनती, दूसरा पहनूँ क्योंकि अभी से फिटिंग देनी है। लेकिन फिर मैं ढूंढने लगी तो मेरे हाथ में फिर से यही आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पहन ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, वो कोई बात नहीं मैं पूरी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि पराठे बना दूँगी, और आज बनाई है टिंडे की सब्ज़ी बनाई है, और क्या बनाया है मैंने, मिर्ची और टमाटर छोंकूंगी मतलब लबके पापा के लिए, तो वही। तो यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी बना दी है, ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा आया, और ये जूस वाली बनाई है क्योंकि लबके पापा को ऐसी ही पसंद आती है। और अगर मैं बताऊँ कि मेरी मम्मी को भी ऐसी ही सब्ज़ी पसंद आती है, मतलब टिंडे की सब्ज़ी रसीली वाली होती है ना जो, और मेरी सासू माँ को आती है एकदम सूखी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे लबके पापा के लिए रोटियाँ बना दी थी, वो बोले बड़ी बड़ी रोटी बनाई हो एकदम मरोड़ के ऐसे बनाते हैं ना उस तरह से। तो यहाँ पे मिर्ची टमाटर, तो मैं खाना देने जा रही हूँ लबके पापा को। गाइस मैं लबके पापा को खाने जा जा खाना खा ले। बड़ी कटोरी में दे रही है, लबके पापा भी खाना खा के जा चुके थे और फिर मैंने भी खा लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि किचन की ऊपर की ये स्लैब वगैरह काफ़ी है ना पीली पीली हो गई है, और शीट भी ना जो मैट है ना वो भी हल्की हल्की हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसको कर देती हूँ क्योंकि फिर पूरा ऊपर से करूँगी तो टाइम लगेगा। तो ये नीचे नीचे की ये ज़्यादा है, जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा ना पीलापन, यहीं पर ही ज़्यादा हो रही है ये। वैसे अगर साफ करने से भी है ना, तू जा रहा कहीं, तू जा रहा कहीं, क्यों पता नहीं तुम्हें, बोल दिया ना पहले। तो आज रेड वाला पहनना चाहिए था तुझे, बनियान ब्लैक वाली क्यों पहन रही है, रेड बनियान उधर देख ले। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। ये देखिए गाइस सुरभी है ना, जय श्री राम बन चुकी है, जय श्री राम। सारी जुगाड़ से उसने सब अपना बना लिया, बजरंगी बाबा बन चुकी है वो गाइस, उसे बहुत शौक लगता है। उसके हम लोग जा रहे हैं, रिको जा रहे हैं और सुरभि ना बजरंगी बाबा बन चुकी है, और सुरभि को फिर बजरंगी बाबा के मंदिर दर्शन कराने ले जाएंगे। और आज मैं आपको बताऊं हमारे धौलपुर में हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो पूरी मार्केट है ना बहुत अच्छी तरह से सजाई जाती है। तो लव और लव के फ्रेंड है ना वो लोग निकल गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं, अभी को लव आएगा तो वो फिर आके बैठ जाएगा हाँ, और हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। लव है ना वहीं से ही करके आएगा, तो चलते हैं गाइस। अपना झूला ले लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इसके पापा पूरा करवाते हैं। और गाइस हम निकल गए थे रिको के लिए। तो मैं बता दूं कि गाइस हम वैसे तो हनुमान जन्मोत्सव है ना 23 तारीख को ही मनाया गया था सब जगह, लेकिन हमारे धौलपुर में क्या है कि झांकियां निकलती हैं, तो वो झांकियों का ये था कि अभी ये साए चल रहे हैं तो सारी झांकियां बुकिंग थी, तो वो
जैसे मतलब अपना मनता है वैसे मना लिया था, लेकिन प्रॉपर पूरी तरह से मनाया गया था, मतलब आज मनाया जा रहा है। तो पूरा धौलपुर को ही डेकोरेट किया गया है और काफ़ी भंडारे भी वगैरह सब होते हैं। तो उस तरह से सभी लोग अपनी स्टॉल लगाते हैं, कोई किसी की, कोई पूड़ी सब्जी, कोई हलवा बाँट रहा है, कोई लस्सी बाँट रहा है, मतलब इस तरह से पूरे धौलपुर में स्टॉल और काफ़ी अच्छी तरह से लगाई जाती हैं और अच्छा मतलब सजाया जाता है। लेकिन ये कि तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे सुरभि को लेके रिको के लिए। मैंने कहा आज वैसे भी वो था सैटरडे और सुरभि बनी थी बजरंगी बाबा, वैसे गाइस वो पिछली साल भी बनी थी। तो यहाँ पे फिर मैं सुरभि को ले गई थी बजरंगी बाबा के मंदिर। मैंने कहा सुरभि को प्रसाद चढ़ाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे बस रास्ते में बस जय श्री राम की नारे लगाती आ रही थी, उसके साथ में सभी लोग भी लगाते जा रहे थे। और सुरभि को जब बजरंगी बाबा के रूप में सबने देखा तो सबने सुरभि के पैर भी छुए थे। और यहाँ पहुँच जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो तो गाइस चलो आजा साइड में खड़ा करिए, तुम वहां से चल। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो सुरभि और सुरभि के पापा जा रहे हैं आगे आगे और मैं पीछे से इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये जय श्री राम। तो फिर यहाँ पे सुरभि को खड़ा करके एक शॉट भी बनाया था और जय श्री राम गाइस। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, और महाराज जी ने सुरभि को आशीर्वाद भी दिया था। तब सुरभि गई थी तो वो कह रहे थे कि हमें पिछले साल का भी, महाराज जी बोल रहे थे कि पिछले साल भी सुरभि बनी थी तो उनको ध्यान है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, सब लोग बैठे थे, फिर बाद में सब लोग बोले कि जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसाद दिया अंगलिए, अंगलिए प्रसाद दिया।
हम लोग है ना मंदिर से होके आ चुके हैं, लबकि पापा तो पहुंच चुके, हमने कम पैदल ही जाएंगे। जय श्री राम गाइस, कमेंट वेल बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम लिखना गाइस। और उसके बाद यहाँ पे सामने पिकॉक भी थे गाइस, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो रिको में तो गाइस पिकॉक है ना घूमते रहते हैं और सामने ही घूमते रहते हैं और आ भी जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने भी मतलब सुरभि के मतलब पैर छुए थे और उसके बाद फिर मैंने भी पैर छुए थे। और लबके पापा से अगर एक बोल दिया जाता है ना कि वीडियो बनाओ, तो वो ये नहीं देखते, बस बनाते जाए, चाहे शॉर्ट में बनाए चाहे कैसे बनाए, वो वीडियो बनाते ही जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं रहता कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस जय श्री राम, जय श्री राम, जानकी माँ लाली कह रही है। तो गाइस बस लब के बाबा शॉप खोलेंगे क्योंकि वहां से आते हैं अपनी डेयरी से, तो फिर इतना टाइम हो जाता है, तो शॉप खोलेंगे और फिर वही जब तक 8-8:30 बजे तक बैठेंगे। उसके बाद गाइस पापा के बिना काफ़ी सूनी लगती है री को, पापा से बहुत रौनक थी। तो गाइस बस ये कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।